दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड की बेईमानी से हारा भारत, लेकिन भारत की होते हुए भी खुशी से झूम उठी सानिया मिर्जा ने हार पर कही आग बबूला कर देने वाली बात, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने दिया ऐसा मुंहतोड़ करारा जवाब कि सुनकर आप भी करोगे सलाम। तो दोस्तों आखिरकार भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के बाद सानिया मिर्जा और हार्दिक पांड्या के बीच जो बहस हुई है वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और बाबर आजम में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा चुका है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर, और इस मुकाबले में भारत की टीम को 28 रन से हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जहां 246 रन बनाए थे, तो जवाब में उतरी भारत की टीम ने 436 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड ने फिर दूसरी पारी में 420 रन बनाए और यहां भारत की टीम दूसरी पारी में 202 रन पर ही ढेर हो गई, जिसके चलते यहां टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और 28 रन से मिली इस हार के बाद अब इंग्लैंड की टीम 1-0 से सीरीज में बढ़त भी बना चुकी है। वहीं हम आपको अगर चौथे दिन के मैच के बारे में बताएं तो यहां पर इंग्लैंड के लिए सबसे घातक बल्लेबाज रहे ओली पॉप, जिन्होंने 278 गेंदों का सामना करते हुए 21 चौकों की बदौलत 196 रन जड़े। बाकी निचले क्रम के बल्लेबाज बेन फॉक्स, रिहान अहमद और टॉम हार्टली का भी बल्ला चला, लेकिन आज भारत के बल्लेबाज जब उतरे तो रोहित शर्मा को छोड़कर पूरी टीम धाराशाही नजर आई, कोई भी 30 का आंकड़ा तक नहीं छू पाया। जी हां, आप यहां पर नजर डालोगे तो केएल राहुल 22 रन बनाकर आउट हुए, यशस्वी जायसवाल 15 रन, अक्षर पटेल 17, अय्यर ने 13 रन बनाए, तो जडेजा 2 रन बनाकर और श्रीकर भरत, रविचंद्रन अश्विन ने 28-28 रन की पारी खेली, लेकिन भारत की टीम 202 रन पर ही ढेर हो गई। और ढेर करने का एक ही गेंदबाज ने काम किया और वो थे टॉम हार्टली, जिन्होंने 7 विकेट लेकर पूरी तरह से भारत को धाराशाही करके रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम को हार मिली है और देश दुनिया भर में चर्चा ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हालांकि दोस्तों यहाँ पर भारत की होते हुए भी टीम इंडिया की हार पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रही है सानिया मिर्जा, उन्होंने यहाँ पर खुशी से झूमते हुए कहा आखिरकार भारत को अब अपनी हैसियत पता चल गई होगी जब उनको उन्हीं के मैदानों पर आकर इंग्लैंड की टीम ने हराया। मैं तो सालों से कह रही हूँ कि भारत की टीम टेस्ट क्रिकेट में नंबर वन कभी हो ही नहीं सकती, चाहे भारत कितना भी दम लगा ले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भारत की टीम से कई गुना आगे हैं। हालांकि दूसरे दिन तक तो पूरा मुकाबला भारत के हाथ में था, लेकिन इन खिलाड़ियों को इतना घमंड पैदा हो जाता है कि इन्होंने तीसरे दिन और चौथे दिन जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया वहां से हार तो बिल्कुल तय थी, और आखिरकार नतीजा भी वही हुआ जिसका अंदाजा मैंने पहले से ही लगा रखा था। भारत की हार से मैं खुश तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि भारत अब आगे आने वाले 4 टेस्ट मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करेगा। और इस बार भले इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी भारत के दिए हुए पैसों से माने नहीं, लेकिन आगे जरूर मान जाएंगे। रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में इम्प्रूवमेंट करेंगे क्योंकि उनकी कप्तानी बहुत ही नॉर्मल दिखाई दी। हालांकि अगर मैं तो यह सोच रही हूँ कि अगर पाकिस्तान की टीम भारत की इस टीम के आगे होती तो पाकिस्तान जैसी टीम भी भारत को मुझे तो लगता है 2 दिन के भीतर ही हरा देती उन्हीं के मैदान पर, क्योंकि ना तो रोहित शर्मा का बल्ला चल रहा है, ना यशस्वी जायसवाल और बाकी बल्लेबाज जडेजा, अय्यर, केएल राहुल तो यहाँ बस टाइम पास करने के लिए ही आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिर सानिया मिर्जा को मुंहतोड़ करारा जवाब देते हुए हार्दिक पांड्या कहते हैं, मैं भले टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन अपनी टीम को चीयर करने में कभी भी पीछे नहीं रहता। अभी तो इंग्लैंड की टीम के खिलाफ हमारा सबसे खतरनाक खिलाड़ी विराट कोहली शामिल नहीं है, सोचो जिस दिन वो आ जाएगा टीम में तो इंग्लैंड की टीम को एक तरफा हराने का हम दम रखेंगे। विराट कोहली के आते से ही टीम कई गुना और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर बातों पर यकीन ना हो तो लिख कर ले लो मेरे से अभी, और सानिया मिर्जा आप खुद भी देख लेना कि भारत की टीम कैसे दूसरे टेस्ट मुकाबले में वापसी करेगी और बड़ी हार देगी इंग्लैंड को दूसरे ही दिन। तो दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने मुंहतोड़ करारा जवाब देकर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि हार्दिक ने जो कहा है वो सही है फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।